तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये चाइनीज गिटार्स हमें खरीदने चाहिए जो हमें 1500 रुपए से लेकर 2000 के बीच में मिल जाते हैं। काफी सारे नॉर्मल ब्रांड्स आते हैं जैसे इंटर्न, कैडेंस और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या ये सही होगा और क्या इसे हमें लेना चाहिए, इसे लेने पर अगर हम लेते तो कितना दिन तक चलेगा, सारा बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पार्ट्स एंड क्या क्या इसमें फंक्शंस है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बॉडी का। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मैंने ऑनलाइन बहुत जगह चेक किया तो सब जगह अलग अलग यहाँ पे लकड़ी दिखाया जा रहा था। कहीं पर दिखाया जा रहा था मैपल वुड, कहीं रोजन वुड और कहीं नॉर्मल वुड दिखाया जा रहा था। तो आप अच्छे से देख के लेना कि कौन सा वुड है। अगर आप मैपल वुड का लो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप मैपल वुड का ले तो थोड़ा सा इसका प्राइस आपको 2200 रुपये से 2300 रुपये का पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल लेते हो इसी में तो वो आपको पड़ जाएगा 1400 से 1500 रुपए। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो या फिर अपने ऑफलाइन स्टोर में भी चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे यहाँ से बाई करना चाहते हो तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी हम सबसे पहले इसके पार्ट्स की बात करते हैं, इनके पार्ट्स कैसे हैं और क्या इसमें चीज़ है, क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये दोस्तों फुल्ली एकॉस्टिक गिटार है। काफ़ी सारे गिटार्स जो होते हैं वो आते हैं सेमी एकॉस्टिक, मीन्स कि आप उसे एम्पलीफायर में भी प्ले कर सकते हो एंड यहाँ पे जो आप एकॉस्टिक कुछ इस तरीके से प्ले करते हो वो भी आप प्ले कर सकते हो। लेकिन ये जो गिटार है वो है फुल्ली एकॉस्टिक गिटार, इसमें आपको कोई भी एम्पलीफायर से बजाने का सुविधा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका ब्रिज का। तो इसका ब्रिज नॉर्मली जो है वो है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का ब्रिज यहाँ पे अच्छा नहीं होता है दोस्तों। ये जो ब्रिज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा कर देता हूँ, ये जो ब्रिज है वो है प्लास्टिक का, ठीक है। और प्लास्टिक के ब्रिजेस उतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप देख रहे हो, अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो या फिर ऑफलाइन खरीद रहे हो, आप अपने स्टोर पर जाना, जहाँ पर भी आपको जाना हो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आप देख लेना यहाँ कि ये प्लास्टिक का है या फिर ये लकड़ी का है। अगर लकड़ी का है तो अच्छी बात है, और यहाँ पर लकड़ी का नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है ब्रिज उखड़ने का। अब हम बात करते हैं इसका ट्रेस रॉड का दोस्तों। आखिर हमको इसमें फ्रेट बोर्ड कैसा मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कोई भी ट्रेस रॉड नहीं है। मान के चलो कि आपका कभी गिटार का ये जो फ्रेटबोर्ड है वो टेढ़ा हो जाता है तो ये फिर कभी भी सीधा नहीं होगा और ये गिटार बर्बाद हो जाएगा। ये गिटार ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपका नहीं चलेगा, ठीक है। आपका अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो तो यहाँ पे जो जिसमें ट्रेस रॉड होता है वो आप ले लेना, और ट्रेस रॉड वाला काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका ट्रेस रॉड नहीं है गिटार में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके कीज़ के बारे में। तो कीज़ काफ़ी नॉर्मल कीज़ है, ये ख़राब भी हो सकते हैं। ये अगर आप 10-12 बार यूज़ कर लो अच्छे तरीके से, अगर घुमा दो तो ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपको इसमें अच्छे कीज़ चाहिए तो आप लगवा सकते हो डाईकास्टिंग कीज़, उसका खर्च आपको यही मिनिमम आपको 50 से 60 रुपये का आता है, ठीक है। तो आप डाईकास्टिंग कीज़ लगा सकते हो जो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका फाइनल कि क्या हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा साउंड चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैंने जो माइक है वो यहाँ पर लगा लिया है और आपको बिल्कुल भी क्लियर साउंड सुनाई देने वाला है कि इसका साउंड क्या है, कैसा है, ठीक है। और मैं अपने यहाँ पे मैं खुद भी बताऊंगा कि इसका साउंड कैसा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप सुनो कि इसका साउंड कैसा है। सबसे पहले मैं विदाउट एनी कोर्ड का सारे स्ट्रिंग्स को प्ले कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो साउंड है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से मैं माइक हटा ले रहा हूँ और थोड़ा सा आपको साउंड में भी अलग आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने माइक लगाया था थोड़ा सा प्ले करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो अभी मैंने माइक अब यहाँ पर लगा लिया है एंड इसका साउंड अगर मैं कहूँ तो उतना अच्छा साउंड नहीं है। अगर आप एक अच्छा गिटार बाय करना चाहते हो, थोड़े से 500-600 रुपये आप ज़्यादा लगाकर एक इंडियन गिटार बाय कर लेना, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा एंड काफ़ी अच्छा चलेगा। जहाँ तक अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको ये गिटार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपके पास बजट कम है, काफ़ी ज़्यादा बजट कम है, या फिर आप डेकोरेशन के लिए लेना चाहते हो, फिर तो आप ले सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे 3000 के आसपास का बजट है तो आप एक अच्छे इंडियन गिटार में जा सकते हो, जहाँ पर आपको ट्रेस रॉड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा और उसमें आपको प्ले करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि आप इसके बजाय 500-600 रुपये और लगा के एक अच्छा इंडियन गिटार ले लो, ठीक है। तो इंडियन गिटार जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ओवर ये ऑल जितना भी चीज़ें हैं इसमें नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसे लगाते हो तो आप अच्छे तरीके से अच्छा गिटार ले सकते हो, जिसे आप नॉर्मली अच्छे से प्ले कर सकते हो, उसका साउंड भी काफ़ी अच्छा आता है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, एंड अगर आपके पास मनी है थोड़ा सा तो आप ज़्यादा पैसा लगाकर ले सकते हो आपके बजट के अनुसार, ठीक है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा गिटार है, आप खरीद सकते हो। और अगर आपको हमारे यहाँ स्टोर से म्यूजिक पॉइंट जैसार से आपको कुछ भी खरीदना है तो उसका नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको नंबर, वेबसाइट और हमारा यहाँ पे जो लोकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो एक बार हमारे शॉप में विजिट करें, और अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो हम आपको आपके होम तक डिलीवरी भी करवा देंगे। तो आप एक बार ज़रूर आके विजिट भी कर सकते हो या फिर हमें कॉल कर सकते हो, नंबर आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलता हूँ ऐसी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।